रोज सुबह होते ही यहाँ लग जाता है लोगों का हुजूम और मिनटों में बिक जाते हैं हजारों के ब्रेकफास्ट आइटम्स। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आज संडे और हमें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाने का मन किया, तो ये गुंडीचा मंदिर कॉम्प्लेक्स में सेक्टर 5 में साहू स्वीट स्टॉल पे आ जाए हैं। दोस्तों, इनके जो ब्रेकफास्ट आइटम्स है ना, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से सेल होती है, भीड़ से लगा सकते हो अंदाजा। तो आज हमारा दिन था कि ये आके यहाँ पे ट्राई करने का, और देखिए हमारी बहन ऑलरेडी शुरू कर दी है। लगभग 22 साल पहले चितरंजन जी ने अपना ये बिजनेस रोटला में शुरू किया था, और आज उनके बेटे दीपक ये बिजनेस संभाल रहे हैं और रोज सुबह 6:30 से रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप काम किए जा रहे हैं। साहू स्वीट स्टॉल की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको सारे आइटम्स बिना प्याज लहसुन के मिल जाएंगे। कल से ही मम्मी ने बोल दिया था कि आज संक्रांति है, जो भी खाना बिना प्याज लहसुन के ही खाना। तो मैंने सोचा कि बिना प्याज लहसुन का ब्रेकफास्ट कैसे करे, तो फिर दिमाग में आया कि यही बेटर ऑप्शन है, वहाँ पे जाके एक बार ट्राई करते, क्योंकि मैंने यहाँ पे कभी ब्रेकफास्ट खाया नहीं था। शाम को आती हूँ, बस वो पकौड़ी खा के जाती हूँ, तो सोचा कि आके एक बार ब्रेकफास्ट भी ट्राई करके जाऊँ। एंड नो वंडर ये बहुत अच्छा निकला, बिना प्याज लहसुन का ये उपमा और इडली। सर आपन को आगो नबे दी प्लेट नाश्ता, अच्छा टमल 80 टका काटो। This is our famous छेनापोड़ा of Odisha। तो दोस्तों, पीछे लगे भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना डिमांड है साउथ स्ट्रीट स्टॉल। बड़ा भी लेके आ गए। इसका बस नॉनस्टॉप चल रहा है भाई तब से। Do breakfast like a king। हाँ बस गरम गरम। तो गाइज, कभी भी आप सेक्टर 5 गुंडीचा मंदिर कॉम्प्लेक्स में आते हो तो यहाँ साहू स्वीट स्टॉल में आके एक बार इनका ब्रेकफास्ट आइटम्स वगैरह ट्राई करना, और ख़ास करके मिठाइयाँ छेना पोड़ो भाई वो लाजवाब है, और मेरा फेवरेट है राबड़ी। तो एक राबड़ी आके यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि हमने बहुत बहुत खाया इधर से राबड़ी, और बहुत डिलीशियस रहते हैं। उड़ीसा के बाहर जब जाते हैं ना, यही सब याद आता है। और देखो पापा तो एक राउंड के बाद चला रहे हैं एकदम। ओफो, मुँह में पानी आ रहा है यार। ठीक है, शुरू हो जाइए पापा। तो भाई यहाँ तो जम के खा लिया, अब घर को भी पैक करके लेना पड़ेगा यार, सच में मजा आ गया। रौरकेला की सबसे बेहतरीन बिना प्याज लहसुन में बनने वाली स्नैक्स आइटम्स की जब बात की जाएगी तो साहू स्वीट स्टॉल का नाम सबसे ऊपर आएगा। और अगर आप रौरकेला में हो के भी आज तक यहाँ आए ही नहीं हो तो मेरे दोस्त बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप। और अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो साहू स्वीट स्टॉल का नाम भी अपने लिस्ट में डाल दीजिए, क्योंकि इनके बिना फूड की जर्नी आपकी रौरकेला में अधूरी रह जाएगी। एक छोटा सा वीडियो, एक क्यूट सा वीडियो, और साहू स्वीट स्टॉल में आके जरूर ट्राई करना हमने जो कहा, और ना उनको जरूर आके बताना कि हम लोग का वीडियो देख के आप आए हो। यस, और हमारे पेज को कमेंट लाइक सब्सक्राइब फॉलो जो करना है सब कुछ करो यार, प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज 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 गाइस। इतना ही उम्मीद करते हैं आपसे, और मिलते फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।